जैकी श्रॉफ का असली नाम जयकिशन काकूभाई श्रॉफ, जो कि भारतीय फिल्मों के अभिनेता और लगभग भारत की 9 भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ के फिल्मी करियर के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं, जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 में एक गुजराती परिवार में महाराष्ट्र के लातूर शहर के उदगीर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम काकूभाई श्रॉफ और मां का नाम रीता श्रॉफ है। उन्होंने कुछ विज्ञापनों में मॉडल के तौर पर भी काम किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जैकी श्रॉफ ने लंबे समय से उनकी गर्लफ्रेंड आयशा दत्त से शादी की, जो कि बाद में फिल्म निर्माता बन गई। यह जोड़ा एक मीडिया कंपनी चलाता है जिसका नाम जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड है। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का जिसका नाम टाइगर श्रॉफ है और एक लड़की जिसका नाम कृष्णा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जैकी श्रॉफ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1982 में आई फिल्म स्वामी दादा से की थी। अगले साल सुभाष घाई ने उन्हें अपनी फिल्म हीरो में लीड रोल के तौर पर कास्ट किया, जिसमें जैकी श्रॉफ की हीरोइन मीनाक्षी से शादी थी। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी और इसके बाद जैकी श्रॉफ ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने लगभग हर शैली की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, जैकी श्रॉफ की कौन सी शैली की फिल्में आपको ज़्यादा पसंद आई हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें।